मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनोज पांडे एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट से फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक्स लेकर के आया हूं जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन मेथड। अगर ये ट्रिक्स अगर आपको अच्छे से पता चल जाए, आप किसी भी वेट को, लेंथ को और कैपेसिटी को आप आसानी से अपने फिंगर्स पे आप काउंट करके यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये जो मैं लिखा हुआ हूँ बोर्ड पे, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये आपको कॉलम बनाना है 4, 1, 2, 3 एंड 4, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखना है जैसे मैं लिखा हुआ हूँ, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, माइरिया, क्विंटल, मेट्रिक टन। अंगुली पर भी काउंट कर सकते हैं, अंगुली पे अगर हमको काउंट करना हुआ तो इसको कैसे कर सकते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, माइरिया, क्विंटल, मेट्रिक टन, इस हिसाब से मैंने इसको बनाया हुआ है कि इसको हम लोग फिंगर पे काउंट कर सकें। इसके बाद सबसे पहले आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट इसमें स्मॉलर है और कौन सा यूनिट इसमें ग्रेटर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसका मतलब जो सबसे पहले आ रहा है वो सब स्मॉलर यूनिट है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यूनिट का हमारा जो है वैल्यू बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हमको क्या देखना है कि कभी भी अगर हमको स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये याद रखना दोस्तों कि हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और कभी भी अगर हमको ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि किस कंडीशन में हम लोग डिवाइड करेंगे यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, और किस कंडीशन में हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमको बताना है कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है, हमको बताना है कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे रहे हैं कि स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर हमको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 1 राइट करेंगे और डिवाइड बाई करके 1 राइट कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि मिलीग्राम से ग्राम के बीच कितना स्पेस आ रहा, तो मिलीग्राम की जगह हम लोग 1 राइट कर दिए, और इसके बाद हम लोग काउंट करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग करके 1, 2, 3, इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे, 30 राइट कर देंगे। इस हिसाब से अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो अपना ये हो जाएगा 0.001 ग्राम। दैट मीन्स अगर हम लोग 1 मिलीग्राम को अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 0.001 ग्राम। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम और देखते हैं, सपोज करिए कि हमको कन्वर्ट करना हुआ कि 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, हमको यहाँ पर देखना है कि 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम होता है। सबसे पहले दोस्तों आप इसके लिए वही आप 1 राइट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 राइट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि सेंटीग्राम से ग्राम के बीच टोटल कितना स्पेस आ रहा है, तो सेंटीग्राम की जगह हमने 1 राइट किया, इसके बाद 1, 2, तो इसके नीचे आप क्या लिख देंगे, 2 0 लगा देंगे। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 100 अगर हम लोग करते हैं तो 0.01 आएगा, ये इतना आपका ग्राम हो गया। ये अभी हम लोग देखे हैं कि हम लोग स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि अगर हमारे पास ग्रेटर यूनिट है तो उसको स्मॉलर यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे स्मॉलर और ग्रेटर यूनिट समझेंगे, जो पहले आ रहा है वो सारे छोटे यूनिट्स हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वो सब क्या है, बड़े यूनिट्स हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज करो कि हमको क्या करना है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ पहले से ही कि ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 1 kg में कितना ग्राम होता है। इसके लिए दोस्तों क्या करना, वही सबसे पहले आपको 1 राइट करना है। दैट मीन्स अगर किलोग्राम की जगह आपको 1 राइट करना है, इसके बाद आप बैक काउंटिंग करोगे और देखोगे ग्राम तक आने में टोटल कितना स्पेस बच रहा है, उतना हमको 0 राइट करना है। तो किलोग्राम की जगह हमने 1 राइट किया और बैक काउंटिंग हमने किया तो 1, 2, 3, दैट मीन्स 1 के आगे हमको क्या करना है, 3 0 राइट करना है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम आया, जिससे हमको पता भी कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है।
इस हिसाब से एक हम लोग और देखते हैं, अगर हम लोग देखना चाहें कि वन क्विंटल में कितना ग्राम होता है, इसको कैसे काउंट करेंगे। वन क्विंटल में कितना ग्राम होता है हमको पता लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि क्विंटल की जगह क्या राइट करेंगे, वन राइट करेंगे, फिर बैक काउंटिंग करेंगे, कहां तक काउंटिंग करेंगे, ग्राम तक काउंटिंग करेंगे, और जितना स्पेस आएगा उतना हम लोग जीरो इसके सामने राइट करेंगे। तो चलिए हम लोग बैक काउंटिंग करते हैं, क्विंटल की जगह हमने वन राइट किया, बैक काउंटिंग किया तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स हमको 50 राइट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वन क्विंटल में 100,000 ग्राम होता है। इस प्रकार ये जो मैं मेथड आपको बताया, ये मेथड मैंने इस प्रकार बताया कि इस मेथड को आप क्या कर सकते हैं, अपने उंगलियों पे, जैसे मैंने शुरू में बताया है कि उंगलियों पे काउंट करके इस मेथड का यूज़ करके किसी भी स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में और ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।